हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सौरव शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रेड सौरव शर्मा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग। फर्स्ट टाइम मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। तो गाइस देखिए, मेरी फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग, चलो चलते हैं। तो गाइस, अपनी बाइक रेडी है चलने के लिए और देख सकते हो कुछ। तो गाइस, अभी निकलने का टाइम हो गया है चंडीगढ़ की ओर। तो थोड़ी देर दूर बाद मुझे एक अपना फ्रेंड मिलेगा। चलो, कुछ नहीं, चलो ठीक है। चलो गाइस चलते हैं, राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो गाइस कुछ यहाँ से ऐसा रोड है और थोड़ी दूर बाद मेरा दोस्त भी मुझे मिलेगा और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो नज़ारा। रोड के गाइस बहुत बुरे ही हाल है यहाँ पे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए। और अभी हम निकल रहे हैं और हमें पहुँचना है मोहाली। देखते हैं कितने टाइम में हम पहुँच जाएंगे। और गाइस, रोड के बहुत ही बुरे हाल है, आप देख पा रहे होंगे। ये भोजनगर वाला रोड है, बनासर भोजनगर, बहुत ही एडवेंचरिंग हो जाती है गाइस, बिना कहीं जाके ही। आई होप कि आपको सब क्लियर दिख रहा होगा। तो गाइस, ये मेरी फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग है और यहाँ पे जेसीबी भी खड़ी हुई है और रोड की बहुत ही खस्ता हालत है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे केबल कार है। और यहाँ पे केबल कार आप देख सकते हो, टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट है। तो सैंडी आ चुका है। नहीं, तो गाइस चलो चलते हैं, यहाँ पे पानी हो गया है, कर दिया बस। तो चलो चलते हैं। तो गाइस, रोड के कुछ ऐसी हालत है, हमारे एमएलए कांग्रेस बीजेपी दोनों आ चुकी है और कोई इस रोड का कुछ काम नहीं कर रहा है ढंग से। आप रोड की हालत देख सकते हो और व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। इंग्लिश में लेपर्ड कहते हैं। आगे से ब्राग आ सकता है, अभी कहीं कभी भी यहाँ पे लेपर्ड आ सकता है और हमारी पटके और हमारी पटके चार होते हुए। तो गाइस कुछ बहुत ही खतरनाक मोड और यहाँ पे कुछ ऐसा नजारा। तो
भाई यहाँ पे बाइक पे पास लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पर छोटी मोटी गाड़ियों के कोई दिक्कत। तो यहाँ पे गाइस नई सोसाइटी बन रही है, अगर आपको कमरे लेने हो तो अभी संपर्क करें, कमेंट कर दीजिए, हम आपको कमेंट कीजिए, हम आपको जिसको यहाँ पे फ्लैट चाहिए कुछ ऐसा व्यू दिखेगा नीचे को फ्लैट चलाने में पूरा ये समर्थन करेंगे। यहाँ पे नवी बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बस भी है, इससे ये अंदाजा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के। ओ बाबा खड्डों के बीच में रोड है लगता है, और जगह रोड के बीच खड्डा होता है। हाँ। यहाँ पे खड्डों के बीच में रोड है। हाँ। पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा ब्लॉग। आपने रोडों के बीच में खड्डे देखे होंगे पर खड्डे के बीच में रोड ये पहली बार देखा होगा, पहली बार देखा होगा आपने, पर यहाँ ऐसा ही है। और यहाँ वाले बाइक वाले कोई हेलमेट नहीं पहनता, देखिए गाइस तीन तीन कैसे तीन चार चार ट्रिपलिंग की हुई। यहाँ पे पूरा उल्लंघन किया जाता है रूलों का। सरकार भी यहाँ की फटीचर है और जनता कुछ बोलती नहीं है, जनता भी ऐसी है। वाह, यहाँ पे बस आ गई, रोड ही नहीं है, न्यू बस है, अब बाइक को कहाँ लगाया जाए ऐसा सब लॉज है। पूरा रोड है गाइस, और ये बस का टाइम है, और यहाँ पे अपने रिश्तेदार, और बस नहीं है शायद, और लोग हमें देखते हुए अच्छा रिएक्शन आता हुआ। जब बस आती है तो गाइस बाइक को रोकना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रोड है, क्योंकि पूरा है रोड, बस लायक ही है बस। हम और गाइस आगे ट्रैक्टर है, मुझे पता नहीं पहाड़ों में भी ट्रैक्टर चलते हैं। और गाइस हम यहाँ पे बंदे ही बंदे अपने मिलते हुए, मुझे तो कोई जानता नहीं, और हमारे को कमेंट करते हुए हमें तो कोई जानता नहीं जबकि हमारा इलाका है जबकि अपना इलाका है। ये देखिए यहाँ पे ट्रिपली का होते हुए, यहाँ पे फिर से ट्रिपिंग दिख, ये आम बात है, कोई हेलमेट नहीं, इनका चलान काटा जाए। ये एचपी 15 नंबर वाले ही होते हैं जो पूरे रूल रेगुलेशन अपनाते हैं। एचपी 12 तो गाइस हम भी थोड़े वाह क्या रोड है, वाह मेरे को ऐसा लग रहा है अगर हम आज जो स्विंग रोड में नहीं पहुंचे तो, अगर आपको स्विंग वो झूला बड़े वाला झूला झूलना हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस पेट्रोल किराया लगेगा। और देखिए मुर्गे यहाँ पे, देखिए मुर्गे जंगली मुर्गे, लोगों को चिकन नहीं मिलता, और यहाँ पे एकदम कार आती हुई और हमें देखते हुए, और हमारी को अगर हम थूक जाते हमारे पास प्रूफ भी था पर ये यहाँ आम चीज़ें हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पे अपना बिट्टू भाई था, और हम आपको आगे जाके दिखाएंगे इलीगल रास्ता हरियाणा। ये आपके ये रास्ता दिख रहा है, ये हरियाणा के लिए है इलीगल रास्ता, इलीगल नहीं आप शॉर्टकट बोल सकते हो। और अभी हम परवाणु की ओर जाते हुए, और ये क्या, और यहाँ पे बच्चे स्टंट मारते हुए बिना थोड़ा थोड़ा और सनसेट हो गया है, वाह क्या व्यू आ रहा है, और व्यू थोड़ा गजब आ रहा है। अब हम मैदानी इलाकों में पहुंचते हुए धीरे धीरे, मैदानी इलाकों में पहुंचते हुए मैं कहा हम धीरे धीरे यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं व्यू कितना कैंट व्यू आ रहा है, नज़ारा तो है गाइस, पर कभी कभी
ये मेरा पहला प्रॉपर व्लॉग है, ये मेरा पहला प्रॉपर मोटो व्लॉग है। इससे पहले मैंने प्रॉपर मोटो व्लॉग नहीं किया है और बहुत दिनों बाद ही वीडियो आ रही है चंडीगढ़ की ओर जाते हुए। अभी हम आपको व्यू दिखाएंगे पहाड़ों का, चंडीगढ़ का, मोहाली का। अभी गाइस मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बाइक का, ये बाइक है ड्यूक 125 BS4 2019 मॉडल। हाँ जी, तो गाइस मैं 0 to 100 करके दिखाऊंगा 2019 मॉडल। हाँ जी, तो गाइस मैं 0 to 100 करके दिखाऊंगा आपको आगे हाईवे पे। यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो 20 की स्पीड लिमिट है, फिर भी हम 27 में चल रहे हैं और हम लिमिट में रहते हैं, थोड़ा कानून का पालन करते हैं। यहाँ के समोसे कैंट होते हैं। तो यहाँ पे हम कुशल्या नदी के पास पहुँचते हुए, ये नदी लगता है सूख चुकी है। गाइस ये देखो, हम अपनी इलाके की सबसे बड़ी नदी हमारे इलाके की नदी तो सूख गई है, इसमें पानी बहुत कम है। कम क्या पानी है, है पानी थोड़ा बहुत है, तो है पर थोड़ा बहुत है गर्मी के कारण। और ये पुल कभी भी गिर सकता है गाइस, ये बहुत नाजुक पुल है, बहुत ही पुराना नाजुक पुल है। एक बार बाढ़ आ चुकी थी इसमें, हाँ सर के थोड़ा सा हट गया था, बह गया था गाइस यहाँ पे। और यहाँ पे बाइक खराब होते हुए लोगों की हमें भी गाइस बाइक में यहाँ पे आपको ज्यादा स्प्लेंडर वाले ही दिखेंगे। एक यहाँ पे हमारे पास ही है, इकलौते राइडर। हाँ और तो कोई स्प्लेंडर वाले हल्की फुल्की बाइक वाले, हाँ क्योंकि सीधा रोड है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे लोग इधर उधर होते रहते हैं पर यहाँ पे थोड़ा प्यार से चलाने पड़ता है। आशा करता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग होती है, अगर रिकॉर्डिंग बंद हो रही होगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हो रही है ना, चली थी। हाँ रिकॉर्डिंग चली हुई है, बढ़िया व्यू दिख रहा है। हाँ बढ़िया क्लियर व्यू, बहुत ही क्लियर व्यू। और यहाँ पे हम यहाँ पे बिल्कुल सेक्सी व्यू आते हुए। हाँ जी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्कूटी येलो कलर की, और खड्डे खड्डे। मोहित, और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जंप है, आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर स्वराज का ट्रैक्टर है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी का ट्रैक्टर है गाइस, आप देख सकते हैं। हाँ गाइस ये ट्रैक्टर है, हम ट्रैक्टर बनाते हैं पर हमारी साइड इतने ट्रैक्टर तो दिखते हैं आपको पर यहाँ चलते नहीं है इतने, यहाँ पे सैलरी अपने लायक नहीं होती है। हाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला है तो बहुत से ट्रैक्टर होते हैं चले हैं तभी, उसी कारण से, नहीं तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर का चलन थोड़ा कम है। और अब थोड़ा रास्ता थोड़ा साफ दिखेगा आपको, प्लेन आते हुए पहले के मुताबिक परमाणु में एंटर करते हुए। और गाइस परमाणु में हम पहुंच चुके हैं, कुछ चंद सेकंडों में। यहाँ पे अपने रिश्तेदार मिलते हुए। और गाइस अभी आपको पुल दिख रहा है, अभी हम पुल के नीचे हैं, थोड़ी देर बाद पुल के ऊपर होंगे। पुल के नीचे है, हाँ हाईवे है ये, फोर वे, आप यहाँ से ऊपर को भी जा सकते हो। बीप, बीप, बीप।
पे मक्खन रोड है गाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रोड कर दिया है हमारा, पर स्टेट गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। यहाँ पे गाइस फूल देखिए कितने अच्छे हैं, देख सकते हो आप। वाह गाइस यहाँ पे ऊपर टिम्बर लाइट है। यहाँ ऊपर से हम आए हैं अभी और इस हाईवे पे ऊपर से हैं हम गाइस अभी। अभी हमें चंडीगढ़ की ओर मुड़ना है। जब हम हाईवे में पहुंच चुके हैं, इस चंडीगढ़ शिमला हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं, तो भाई चलो चलते हैं। आगे लग रही जाना है।
यहाँ लगी थी गाइस एक बहुत दिन पहले। हाँ तो गाइस सबसे ज़्यादा मज़ा यही है, बाइक में कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है और बहुत ही रोडों का मज़ा लेते हुए बढ़िया हम फ्री में निकलते हुए अभी तय किए। ये देखिए गाइस गाड़ी ऐसे ही निकाल दी बिना इससे ही, मुझे नहीं पता क्या सीन है इसका। हमारी अब तोड़ी में ही चलना तोड़ी में ही जाना, ऐसी भी जल्दी बोरे बोरी में कैसी लानू कच्ची सिग्नल नहीं लग रहे। गाइस मोटो ब्लॉगिंग कम हो गई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय एंड बाय।